अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। जियो तड़का के एक और मज़ेदार और मीठे तड़के के साथ मैं हूँ कहकशां बुखारी और मेरे साथ हैं हमारी प्यारी शेफ़ शगुफा। और क्योंकि जनाब गर्मियां हैं और शेक्स जो हैं वो बड़ी फरमाइशें आप लोगों की आ रही थी कि डिफरेंट रेसिपीज़ आपको शेक्स की हम बताएं, तो आज हमारे पास मार्केट से क्या आया है शेफ़? आज हमारे पास आए हैं पाइनएप्पल्स और हमारे पास आए हैं बनानास। लेकिन बनानास जब आए तो मैंने उसको रख दिया। अच्छा। एंड यू नो मैंने उसको थोड़ा सा फुली राइप किया और उसके बाद मैं अब जाकर उसको यूज़ करूँगी अपने शेक में। और एक और बात आपको ये बताऊँ कि जैसे आपको ये बनानास जो हैं वो थोड़े से डार्क कलर के लग रहे हैं, ये फ्रोज़न है तो आपने इसको बिल्कुल फ्रीज़ करना है। और हमेशा जो बनाने का जो आपके केले का जो फ्लेवर है वो उस वक्त आता है जब वो थोड़ा सा राइप होने लग जाता है, जिसको हम अक्सर ये कहते हैं कि जी ये रॉटन है या ये ख़राब हो रहे हैं, ठीक है ना। वो बेसिकली आपका जो बनाना है वो इथिलीन गैस रिलीज़ करता है और दैट गैस बेसिकली टेल्स यू दैट यस नाउ योर बनाना इज़ राइप। और वही जो है वो यूज़ होता है बनाना ब्रेड्स में, वॉलनट ब्रेड्स में, तो हम हमेशा उसको ओवर राइप करके, जिसको हम रॉटन ब्रेड्स रॉटन बनानास भी कहते हैं। अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भाई वो किचन में क्यों केले रखे हुए हैं, वो सड़ रहे हैं। हाँ। तो मैं उनको कहती हूँ कि ये सड़ नहीं रहे हैं, इसको मैंने रखा है, हल्की सी स्किन उसके ऊपर से ब्लैक हो जाती है। येलो बनानास आर नॉट यूज्ड बेसिकली इन ब्रेड्स। यस यस। So तो अगर हम ये कहें कि भाई फ्रेश बनानास हमें चाहिए तो आप कह रही हैं कि थोड़ा सा उसको आप ओवरराइप करें तो वो जो एक स्वीटनेस है वो उसी वक्त रिलीज होती है जब बनानास जो है इथिलीन गैस रिलीज करना शुरू करते हैं। तो जो आप शेक में अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो ओवरराइप बनानास है और दूसरा वो फ्रोजन भी है, ठीक है। तो ये आपने बनानास डाल दिए अंदर, अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप चाहें तो आप इसको फ्लेवर दे सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का, वो क्या है, आप इसमें सॉल्टेड कैरमल का भी जो है वो एसेंस डाल सकते हैं। मैं कौन सा एसेंस डाल रही हूँ इस वक्त जो इजीली अवेलेबल है, फिर लोग ये ना कहें कि जी शेफ़ हमें पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बना देती हैं जो मिलती नहीं है। मोका एसेंस इज़ ऑल्सो अवेलेबल, कैरमल सॉल्टेड कैरमल एसेंस इज़ ऑल्सो अवेलेबल, बहुत मज़े का टेस्ट होता है, वो डालकर देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। फिलहाल मैं बड़ा इकोनॉमिक आपका जो है और बजट फ्रेंडली वनीला एसेंस डाल रही हूँ, ठीक है जी। ये मैंने इसमें डाल दिया और इसी एसेंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं डाल रही हूँ वनीला आइसक्रीम। ओके। अच्छा शेफ, मैं अभी देख रही थी आपने स्टेशन पर बनानास के साथ पाइनएप्पल्स भी रखे हुए जी। तो ये मेरी समझ में नहीं आया, हमारी ऑडियंस भी परेशान होगी कि ये कर क्या रही है भाई, कह रही है कि बनाना शेक शेक बन रहा है और पाइनएप्पल्स जो है वो स्टेशन पे नजर आ रहे हैं, तो इनके होने का मकसद क्या है? इनके होने का मकसद ये है कि हम अपने ऑडियंस को डबल फन जो है वो दे रहे हैं। अच्छा। हम पहले जो है वो बनाना शेक बनाएंगे और फिर हम आपको आपका पसंदीदा पीना कोलाडा बनाएंगे। अच्छा, ये इसलिए यहाँ पे रखे हुए जी हाँ बिल्कुल, बट द सीक्रेट इज रिवील्ड नाउ, सो हम अभी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास ये देखिए थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ये पड़ा हुआ है, इसको भी हम उठाएंगे और हम इसको डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये भी आप तकरीबन समझ लें कि 1-2 टेबल स्पून के बराबर हमने इसको ऐड कर दें। ये मैंने डाल दिया, मैं अपना स्पैचुला यहाँ रखूँ और जनाब मेरे पास मौजूद है यहाँ पे क्रीम। ये क्रीम भी आप पूरी इसके अंदर डाल दीजिए। क्रीम जो है ना वो आपके शेक को बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है, रिच और क्रीमी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और इजी टू ड्रिंक इसको जो है बनाती है। आपको इसमें आइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप फ्रोजन बनाना यूज करेंगे। जब भी स्मूदीज बनाए शेक्स बनाए तो अपनी वेजी अपनी फ्रूट्स को फ्रीजर में डाल दें, जैसे स्ट्रॉबेरी स्मूदी हमने आपको सिखाई तो वो फ्रोजन स्ट्रॉबेरी के साथ, तो वो आपने वो फिर आपको बहुत मज़े का जो है वो फ्लेवर देगा। और बस ये हमने अब इसको रखा है, कवर किया और ये हो गया आपका बनाना शेक रेडी तैयार। बिल्कुल, बड़ी जल्दी ये झटपट बनने वाली स्मूदीज और शेक्स हैं जो कि गर्मी के लिए तो खास तौर पे बहुत लोग इसको बनाना पसंद करेंगे, इसलिए कि कराची की गर्मी तो फल्ला इतनी परेशान कौन होती है। और वैसे अब तो जो है जिस तरीके का हमारा क्लाइमेट है तो हर तरफ ही गर्मी बढ़ती जा रही है, और फ्रूट्स और वेजीज का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कीजिए क्योंकि रमजान भी है और डिहाइड्रेशन से भी आपको जो है वो बचना है। शेफ मेरा ख्याल है हम इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, डाल दूँ ताकि फिर आप इसको उसके लिए पोजिशन कर दें, डेकोरेट भी कर दूं थोड़ा। और अब ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको भी आगे कर लें, कैमरामैन इशारा कर रहे हैं कि उनको क्लोज अप्स चाहिए। अभी करती हूं मैं,
बस जी हमें थोड़ा सा अभी देखें ये ठीक है, इसकी पोजीशन ठीक है, थोड़ी सी आप इस पर विप और कर दें ताकि वो हमारा जो ब्यूटी शॉट है वो अच्छा आ सके। ये देखें आप, मैं इसको ये क्रीम जो है वो खत्म हो गई बस, लेकिन ये ठीक है, अभी हम इसको मजीद ड्रिजल कर देंगे इसके ऊपर चीज़ें तो वो अच्छा सा सेट हो जाएगा। ये देखें मेरे पास थोड़े से ये है मौजूद, ये हम क्या डाल रहे हैं, चॉकलेट चिप्स, जस्ट चॉकलेट चिप्स आप डाल सकते हैं। अच्छा exactly. बहुत से लोग जो है शेफ इसके ऊपर बिस्किट्स भी डालते हैं जैसे आप भी डालती हैं, तो आप भी कोई मार्केट का नॉर्मल सा बिस्किट जो है वो यूज कर सकते हैं। बिस्किट तो मैं नहीं डाल रही इस वक्त, मैं जो हूँ वो इस वक्त डाल रही हूँ चॉकलेट का थोड़ा सा मेल्टेड वर्जन जी, टू लुक इट एंड टू गिव इट मोर लाइक यू नो फैंसी लुक, बस ये इससे ज्यादा जो है वो नहीं करना। ये देखें जी ये आपका मज़ेदार सा बनाना जो शेक है वो रेडी है। और अब जो है कशा आप मुझे जग जो है वो दे दें वॉश करके, तो मैं जल्दी जल्दी से अपने जो ऑडियंस हैं व्यूअर्स हैं उनको मैं पीना कोलाडा जो है वो दिखा दूँ बनाना। ये मेरे पास पाइनएप्पल के चंक्स मौजूद हैं और मैं इसका वाटर भी यूज़ करूँगी, ठीक है। ये देखें जी ये मैंने कैन वाला जो पाइनएप्पल लिया था ये मैंने इसका पूरा पहले पानी डाला, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं इसके पाइनएप्पल के जो पीसेस हैं वो आप ऐसे ही डाल दें, ये सारा ब्लेंड हो जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आई कि जब इन दोनों चीज़ों ने साथ ही जाना था तो आपने पहले पानी डाला और फिर पाइनएप्पल। अगर मैं एक साथ डालती वो स्प्लैटर करता और चीज़ें सारी स्प्लैश करती और जो है वो अच्छा नहीं लगता। ये जनाब मैं डाल रही हूँ कोकोनट मिल्क टू मेक योर कोलाडा हम लोग इतना इंजॉय कर रहे होते हैं ना कभी कभार रेसिपीज बनाते हुए कि हम भूल ही जाते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या कहना है। क्या कहना है बिल्कुल। अब ये देखें और ये जो हमारा शो है ना ये अनस्क्रिप्टेड है, ये भी मैं आप लोगों को बता जी दूं। हम यहीं पे बोल रहे होते हैं और हम रीटेक्स भी नहीं लेते हैं बिल्कुल। ये हमारी टीम पीछे से अगर थम्स अप कर देगी तो हमारा थोड़ा सा हमारा रोजा जो है अप हो जाएगा और सबने सबने डाउन कर दिया। ये अब क्या करें इसे ऐसे छोड़ के चले जाए? नहीं 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 शेफ हम अपने कमिटमेंट पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो हमें इतने शौक से देख रही है और इतनी फरमाइशें कर रही है उनके लिए जनाब ये सारा एहतमाम हुआ हुआ है मिल्क। शेफ को गुस्सा आ रहा है कि क्या कह शाह बस कर दो मुझे बताने का मौका दो कुछ। और ये जनाब थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट हमने पाउडर इसमें डाल दिया, बाकी मैं थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी ताकि वो हमें जो है वो मजेदार सा कोकोनट जो है जनाब वो बड़ा हमारे स्टेशन की रौनक बना हुआ है, पाउडर में भी है मिल्क की सूरत में भी है, शेफ को बहुत पसंद भी है हमारी। अब ये देखिए मेरे पास एक ग्लास मौजूद है जो हम पोर करेंगे ये पाइनएप्पल ही जैसा, ठीक है। पाइनएप्पल इसके ऊपर जो है वो पिक्चर भी बनी हुई है। ये आपका पीना कोलाडा रेडी है। और कोकोनट के बगैर पीना कोलाडा जो है जी वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप बिल्कुल खाली सा जो है वो शरबत पी रहे हो। थोड़ा सा आप इस पे कोकोनट स्प्रिंकल कर दें इफ यू वांट, मुझे पसंद है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अच्छा शेफ मैं ये क्लीन बिल्कुल आप स्टेशन क्लीन कर दें ताकि सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को हमारे जो है वो हमारी एंड प्रोडक्ट नज़र आए। अच्छा ये मेरे पास जो ऑलरेडी पाइनएप्पल है इसको मैं हल्का सा यूँ स्लिट कर देती हूँ और हम इसको लगा देंगे ये ग्लास के कॉर्नर पर लाइक दिस, और इसी में ही हम थोड़ा सा साइड में इसको डाइनली कर देंगे प्रिक, यस। और ये हमारी आज की मज़ेदार सी जी ये हो गया हमारा पीना कोलाडा एंड बनाना शेक रेडी। आपने करना क्या है, जियो तड़का सीज़न 3 का हैशटैग फॉलो करना है और जियो डिजिटल पर हमारे शो को भी फॉलो करते रहना है, तो ये सारा काम आप करते रहिए। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।